नमस्कार, नेचर्स लवर चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस कालका रोहतांग पास एपिसोड सेकंड में हम आपको मनाली के हडिम्बा देवी टेंपल, क्लब हाउस, रोहतांग पास, सोलांग वैली और महर्षि वशिष्ठ आश्रम लेकर चलेंगे। कुल्लू के राफ्टिंग पॉइंट से मनाली के महर्षि वशिष्ठ आश्रम तक पहुंचने में हमें 1.5 घंटे का समय लग गया। हमने अपना एकोमोडेशन आश्रम के पास ही ले रखा है, जिसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। रिमझिम बारिश के बीच हम हडिम्बा देवी दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। हडिम्बा देवी का वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1953 ईस्वी में करवाया था। क्लब हाउस मनाली शहर के केंद्र में माल रोड के पास स्थित है। यह स्थान बच्चों के लिए मनाली के सबसे पसंदीदा आकर्षणों में से एक है। यहाँ सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करने की व्यवस्था है। रिमझिम बारिश होने के कारण हम मनाली के माल रोड पर नहीं घूम सके। हम अपने होटल महर्षि वशिष्ठ आश्रम के पास आ चुके हैं। यहीं से हम अपने होटल से मनाली शहर एवं आसपास के हिमालय की चोटियों का दर्शन कर पा रहे हैं। बारिश होने के कारण यहाँ की चोटियों पे, ऊंचाइयों पे बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ की चोटियाँ बर्फ से और भी चमक चुकी हैं। हमारे होटल के सामने ही सेब का बगीचा है, जिस पे अब अप्रैल के महीने में फूल निकल चुके हैं। मनाली में शाम का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। सुबह हो चुकी थी। हम अपने होटल की खिड़की से बाहर की तरफ देखे तो बाहर का हिमालय की चोटियों का नज़ारा देखकर हम अचंभित रह गए कि ये बर्फ़ से लदी चोटियाँ कैसे सोने की तरह दिख रही हैं। सुबह हम अपने होटल पर ही ब्रेकफास्ट करके रोहतांग पास के लिए निकल पड़े हैं। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति के बीच स्थित है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर है। यह मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे कल रात में बर्फबारी होने के कारण हम दर्रे तक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि रास्ता दर्रे के पास का बंद हो चुका है। उधर वाहन आज नहीं जाएंगे, अतः हम दर्रे से 5-6 किलोमीटर पहले ही
बर्फ में होने वाली एक्टिविटी का आनंद लेंगे। रोहतांग दर्रे से ही मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है। रोहतांग दर्रे में पूरे वर्ष भर बर्फ की चादर बिछी रहती है। हम लोग जिस वाहन से गए थे उसे रोहतांग दर्रे से 5-6 किलोमीटर पहले ही छोड़ चुके हैं। अब हम यहाँ से 4-5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके रोहतांग दर्रे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। रास्ता बहुत जटिल था लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ा और हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हमें सफलता मिल ही गई, हम दर्रे तक पहुंच गए। रोहतांग दर्रे पे आप स्कीइंग, ट्यूब स्लाइडिंग और बाइक राइडिंग का आनंद उठा सकते हैं। रोहतांग दर्रे पे आप मैगी, स्वीट कॉर्न एवं चाय की चुस्की ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई अन्य दुकानें नहीं हैं, न कोई आपकी सुरक्षा के लिए कोई शेल्टर है। अचानक बर्फबारी होने पर आपको वहाँ से नीचे ही आना पड़ता है। रोहतांग दर्रा मौसम में अचानक अत्यधिक बदलाव के कारण भी जाना जाता है। यहाँ हिमालय श्रृंखला के पर्वतों का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। जब आप रोहतांग दर्रा आएं, तो आप हिमाचल के ड्रेस में ज़रूर फोटो शूट करवाएं। यदि बर्फ में खेलने का मौका मिले तो आप स्नोमैन अवश्य बनाएं। शाम के 3:30 बज गए थे। अब यहाँ रोहतांग दर्रे पे सर्दी बढ़ने लगी थी। हम लोग अब यहाँ से वापस चल दिए। आज ही हमें सोलांग वैली भी जाना है, अतः हम सब रोहतांग दर्रे से सोलांग वैली के लिए चल दिए हैं। सोलांग वैली पर्यटकों के लिए पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य रोमांचक क्रीड़ाओं का केंद्र है।
वशिष्ठ मंदिर हिंदू धर्म के महान ऋषि वशिष्ठ जी को समर्पित है, जो श्री राम भगवान के कुल गुरु थे। यह मंदिर तप्त कुंड में स्नान करने के लिए भी प्रसिद्ध है। मनाली गर्म कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के चिंगू के कंबल और साल बहुत ही शानदार हैं। यहाँ के ग्रामोद्योग भवन की दुकान एवं श्रीराम कुल्लू के कंबल काफ़ी उच्च क्वालिटी के हैं। हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी कुछ खरीदारी भी की है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको सिक्किम और दार्जिलिंग लेकर चलेंगे। नमस्कार।